मित्रों नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी का मैं आचार्य तरुण शर्मा पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी की जो पूजा हम लोग करते हैं, तो उस दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती मैया और गणेश जी की पूजा विशेष रूप से होती है। अनेक प्रकार के रत्न चढ़ाते हैं, कमल गट्टे की माला चढ़ाई जाती है, धान की जो बालियां हैं उसको चढ़ाना चाहिए और विशेष रूप से खेल बतासा ये सभी चढ़ाना चाहिए, लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए, श्रृंगार सामग्री चढ़ानी चाहिए, ये सभी चढ़ाते ही हैं। लेकिन दीपावली के विशेष मुहूर्त कौन से हैं उस पर आइए चर्चा करते हैं। इन मुहूर्त में आप पूजा करेंगे तो उसका आपको फल कई गुना बढ़ करके मिलेगा। मित्रों अब मैं कुछ ऐसे चीज़ों पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो दिवाली के दिन करने से विशेष लाभ मिलता है। बोलते दिवाली के दिन अगर माता लक्ष्मी जी का ऐसा फोटो रहे जो श्री हरि जी के चरणों के पास बैठी रहे तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा बोलते हैं इस दिन पूजा करने के बाद हर कमरे में जा कर के घंटी शंख बजाना चाहिए। कई जगहों पे लोग बोलते हैं कि इस दिन घंटी शंख नहीं बजाना चाहिए क्योंकि माता दबे पाँव में आती है, लेकिन घंटी शंख बजाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। हाँ, शास्त्रों में ये बात बताई गई है कि देवी देवताओं के शयन के समय में आप अधिक रात तक जब पूजा कर रहे हैं तो उस समय घंटी शंख नहीं बजाना चाहिए। साथ ही बोला गया शिवलिंग में अगर आप सफ़ेद अक्षत जो है बिना खंडित, विशेष रूप से अखंड अक्षत आप चढ़ाते हैं तो उसका आपको विशेष लाभ मिलता है। श्री हरि जी को तुलसी अगर चढ़ाते तो आपको विशेष लाभ मिलता है। अमावस के दिन दिवाली की रात में अगर आप कोई भी गुरु मंत्र है या कोई भी ऐसा मंत्र है, अगर कोई मंत्र याद ना हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को अगर आप जितना अधिक से अधिक हो सके आपको जप करते हैं तो उसको वह मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाता है। तो बोलते हैं इसीलिए महानिषिद्ध काल में 12 बजे के बाद विशेष रूप से कुछ मुहूर्त हैं, कुछ लग्न रहते हैं, उसमें आपको हर किसी को कोई ना कोई देवी देवताओं का नाम लेते हुए जगना चाहिए। रात्रि जागरण का विधान है दिवाली में। कई दिवाली के दिन ये गलत बात है, कोई भी देवी देवताओं के पर्व पूजन के दिन शराब का सेवन करना, मांसाहार करना, यहाँ तक कि लहसुन प्याज का भी सेवन करना, और विशेष करके आपको ये जो जुआ सट्टा आदि जो खेलते हैं वो दिवाली के दिन नहीं करना चाहिए। दिवाली के दिन विशेष रूप से शुभ कार्य करने चाहिए। आइए हम जानते हैं ये पांच चीज़ें अगर दिवाली के दिन हम करते हैं तो हमारा दिवाली शुभ हो जाता है। सबसे पहले बोलते हैं दिवाली के दिन हमको दीपदान करना चाहिए, दूसरों के घर, मंदिर में, देवालय में, अपने घर पे भी दीपदान करना चाहिए। और अगर आप घर में या हनुमान जी के मंदिर में आप दीपदान कर रहे हैं तो उसमें एक लौंग डालने से विशेष लाभ मिलता है। दूसरा बोले दिवाली के दिन हमको जो शंकर भगवान हैं उनके मंदिर में जाए या घर में भोले बाबा हैं, शिवलिंग है, उसमें सफ़ेद अक्षत अखंड यानी बिना टूटा हुआ अक्षत को चढ़ाना चाहिए। तीसरा हमको घर में माता जी की पूजा के बाद ज़्यादा रात्रि तक पूजा न करें। रात्रि के पूजन में घंटी शंख बजाना निषेध है, लेकिन अगर आप शाम के समय पूजा कर रहे हैं तो उस पूजा के बाद हर रूम पे जा कर के, हर कमरे पे जा कर के अपने अलमारी पे स्वास्तिक बनाएं, अपने घर के द्वार पे स्वास्तिक बनाएं, उनकी पूजा करें, सिंदूर आदि अंकित करें अपने जो लॉकर है वहाँ पे, और देवी देवताओं की पूजा करने के बाद घंटी शंख हर कमरे में बजाए और कपूर हर कमरे में जलाए। साथ ही चौथा उपाय यह है कि माता लक्ष्मी जी का ऐसा फोटो हमको लगाना चाहिए जिसमें वो विष्णु जी के पैरों के पास बैठी रहे। घर पे बैठी वाली लक्ष्मी ही पूजित होती है। और विशेष रूप से जो पांचवा उपाय है वो यही है कि हमको घर में झाड़ू लेकर आना चाहिए, झाड़ू खरीद कर नई झाड़ू एक लेकर के आनी चाहिए और दो झाड़ू लेकर के आना चाहिए। एक झाड़ू को उस दिन विशेष रूप से हमको घर में ला करके रखना चाहिए। कई लोग बोलते हैं एक झाड़ू को ला करके किसी को घर में
दान करने से भी विशेष रूप से लाभ मिलता है। तो ये 5 उपाय को आपको करना चाहिए और दिवाली आप सभी के लिए शुभ हो। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री महालक्ष्मी।